फरवरी महीने में पकड़ी गई 1 किलो 700 ग्राम चरस मामले में स्वारघाट पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चरस सहित पकड़े 5 आरोपियों से, जिनमें 2 जिला कुल्लू तो 3 हरियाणा राज्य के थे, से पूछताछ करने के बाद स्वारघाट पुलिस ने इस चरस को बेचने वाली आरोपी महिला को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसी महिला द्वारा चरस की इस खेप को इन युवकों को बेचा गया था। उक्त महिला तक पहुंचने के लिए स्वारघाट पुलिस ने एक टीम का गठन किया था। पुलिस द्वारा आरोपी महिला की तलाश में मलाना गांव में दबिश दी गई, लेकिन महिला पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। लेकिन पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद महिला को गिरफ्तार करके थाना स्वारघाट पहुंचाया। स्वारघाट पुलिस द्वारा उक्त महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर महिला को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आओ देखें रोजाना श्री आनंदपुर साहिब के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की यह रिपोर्ट। पिछले दिनों स्वारघाट पुलिस थाना के कर्मियों ने एक केस पकड़ा था, जिसमें 1 किलो 790 ग्राम चरस पकड़ी थी और उसमें गाड़ी में बैठे 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 युवक कुल्लू के और 3 हरियाणा के थे। इसी संदर्भ में जो जिनसे उन्होंने पूछताछ में पता लगा था कि जिससे चरस खरीदी है वो मलाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है, महिला देवी, और पुलिस ने अपने प्रयास उसी समय से जारी रखे थे और 2-3 बार कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं छुप गई थी, इसका पता नहीं लगा था। और उसके बाद अभी परसों जब अचानक द्वारा पुलिस ने कोशिश की तो उसको गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया गया है कल, और अभी 18 तारीख तक उसका रिमांड मिला है। जो आगे अभी सब पुलिस जारी है।